जैन साथी, सबसे पहले तो आप सभी को डी न्यूज परिवार की ओर से धनतेरस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के जीवन को इस तरह खुशियों से जगमग कर दे जिस तरह दीपावली पर पूरा देश रंग बिरंगी रोशनियों से जगमग होता है। आपके सभी सपने पूरे हों और आपके परिवार में माता पिता सहित सभी सकुशल रहें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं खबर पर। नवम्बर का यह महीना दीपोत्सव महापर्व लेकर आया है। पूरा देश दीपावली की रंग बिरंगी रोशनियों से नहाएगा, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, पूरा देश हर्ष उल्लास से झूम उठेगा। वहीं दूसरी ओर सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को भी नवंबर महीने से काफी कुछ उम्मीदें हैं। कई जगह नवंबर महीने में सेना भर्ती रैली शुरू होने को लेकर हलचलें तेज हुई हैं, तो वहीं आर्मी एग्जाम को लेकर भी युवाओं को उम्मीद है कि शायद नवंबर महीने में उनका एग्जाम हो जाए। तो देखिए साथियों, यह सही है कि नवंबर महीना युवाओं के लिए कई मायने रखता है। पहला तो सबसे बड़ा यही कि नवंबर महीने में सेना भर्ती शुरू होने को लेकर पूरी पूरी उम्मीदें की जा रही हैं और वहीं एग्ज़ाम को लेकर भी कोई अच्छी खबर आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ नेगेटिव खबर भी नवंबर महीने में आपको देखने को मिल सकती है। देखिए साथियों, त्यौहार पर इस खुशी के मौके पर हम किसी भी युवा को डीमोटिवेट नहीं करना चाहते और न ही हम किसी की उम्मीदों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन खबर को लेकर हमें सभी एंगल पर बात करनी होती है। और एक एंगल यह भी है कि अभी तक देश के काफ़ी सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से ऑनलाइन आवेदन तक नहीं कराए गए हैं। ऐसे में अगर नवंबर महीने में ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं किए जाते हैं तो फिर सेना भर्ती 2021 में नहीं होकर 2022 में ही होगी। यहाँ पर एक बात को और अच्छे से समझ लीजिए कि 2022 में भर्ती होने का मतलब ये नहीं है कि साल 2021 रिक्रूटिंग ईयर की भर्ती फिर नहीं होगी। देखिए, सेना भर्ती के लिए रिक्रूटिंग ईयर किसी भी साल के 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च तक होता है। मतलब साल 2021 की भर्ती 31 मार्च 2022 तक कराई जानी है। हाँ, 31 मार्च के बाद वह भर्ती नहीं होगी क्योंकि इसके बाद दूसरा रिक्रूटिंग ईयर शुरू हो जाता है। और जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देश में अभी अधिकतर सेना भर्ती कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भी शुरू नहीं किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल एआरओ सहित अन्य एआरओ के आवेदन भी नहीं हुए हैं। इसी तरह फिर बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो, इसी तरह देश के तमाम राज्यों की हम बात करें तो वहां पर अधिकतर सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से अभी तक भी ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाए गए हैं। इसलिए सरकारों और सेना भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से हम कहना चाहेंगे कि कम से कम इन युवाओं के ऑनलाइन आवेदन तो शुरू करवा दीजिए ताकि युवाओं को एक ओवर एज होने का जो डर सता रहा है वो डर उनका खत्म हो। या फिर ऑनलाइन आवेदन कराने में भी कोरोना आ जाएगा? अरे यार, समझ नहीं आता क्यों युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, क्यों उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है, क्यों कोरोना का बहाना बनाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम सरकारों से फिर निवेदन करते हैं कि इन युवाओं के साथ इंसाफ किया जाए, उन्हें उनका हक दिया जाए। इसलिए जल्द से जल्द सेना भर्ती रैली और एग्जाम को लेकर तैयारियां की जाए और इन युवाओं की सेना भर्ती रैली और एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। तो चलिए साथी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नए अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।